हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय खास हम खास चैनल। तो आज स्पेशल ये है कि हम जा रहे हैं सनी वर्ल्ड, जो कि हमारे एरिया से काफ़ी नज़दीक है। तो लेट्स सी, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। सुना है बहुत खूबसूरत है। कई अभी मन रहे हो, ये बहुत मस्ती में है क्योंकि इनको फिर घूमने का मौका मिल गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ डे आउट प्लान कर रहे हैं जस्ट फॉर चिल एंड रिलैक्स एंड हैव यू नो पीसफुल एनवायरनमेंट, देन आई थिंक द सनी वर्ल्ड इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। नॉट ओनली द फूड बट ऑल्सो यू विल गेट सो मेनी एक्टिविटीज टू डू विथ योर फ्रेंड्स फैमिली एंड यू नो स्पेशली किड्स ऑल्सो एन्जॉय ओवर देयर, क्योंकि किड्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ रखी थी। तो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ दिस सनी वर्ल्ड एंड यू नो फ्रेंड्स, ये पूरे 100 acres में फैला हुआ है। मतलब इन्होंने काफ़ी प्यारा और सुंदर बनाया है और अंदर से जाने पर इट्स सो ब्यूटिफुल, यू कैन सी। ये आपको रिसेप्शन एरिया के पास में मिलेगा। रिसेप्शन एरिया में आप अपने टिकट बुक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो आपको थोड़ा बेटर डिस्काउंट मिल जाता है। इस ऑनलाइन की साइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो उस लिंक से आप डायरेक्टली इसके ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हैं। एनीवेज, आई शो यू दिस रिसेप्शन एरिया इनसाइड हाउ इट इज़ लुक लाइक। यहाँ पे काफ़ी कल्चरल यहाँ महाराष्ट्र का दिखाया गया है विच इज़ वेरी नाइस एंड आई रियली इन्जॉयड ओवर हेयर। एंड हाँ, आप जब टिकट बुक कर लेते हैं तो आपको इस टाइप का बैंड मिलता है। बैंड को आपको पूरे दिन लगाए रखना है जब तक आप इस एडवेंचर एक्टिविटीज़ के अंदर आए हुए हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इनके चार्जेस क्या हैं। जैसे हमने सिर्फ अपने किड्स की एक्टिविटी यहाँ पे करवाई थी विच इज़ अराउंड 620 rupees प्लस टैक्सेस, और आप क्योंकि एज अ पेरेंट आपको भी इनके साथ जाना ही पड़ेगा तो आपको भी इनका एंट्रेंस चार्ज देना पड़ेगा विच वी हैड पेड अराउंड 900 rupees। तो हमने इसमें कुछ फूड का नहीं ऐड किया था, दिस इज़ ओनली द एंट्रेंस टिकट एंड दैट एक्टिविटीज़। नाउ इट्स आफ्टरनून टाइम एंड हम थोड़ा घर से लेट निकले थे, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द रेस्टोरेंट एरिया। हियर यू कैन फाइंड टू रेस्टोरेंट, वन इज़ रूबी रेस्टोरेंट एंड अनदर वन इज़ शिवलिंगम, एंड वी ऑप्टेड फॉर द रूबी रेस्टोरेंट। आप ये देख सकते हो, ये जो रास्ते में आपको ना कॉटेजेस मिलेंगे, ये एक्चुअली बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिन्हें यहाँ पे स्टे करना होता है। यहाँ पे आपको वुडन्स के कॉटेज काफ़ी देखने को मिलेंगे विच इज़ जस्ट नियर टू दिस रूबी रेस्टोरेंट। यू आर प्लानिंग टू ऑर्गनाइज सम पार्टीज ओवर हियर, सो इट इज़ ऑल्सो एन गुड ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवाते हैं और साथ ही साथ कुछ वेडिंग का अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पे वो प्लान भी आप यहाँ कर सकते हैं बिकॉज अ वेरी गुड काइंड ऑफ रेस्टोरेंट एंड बार। एंड हाँ, यहाँ पे बुफे भी दे प्रोवाइड, सो एवरी थिंग्स आर वेरी नाइस ओवर हियर। यू कैन सी द लाइक डाइनिंग एरिया भी काफ़ी सुंदर है एंड पीसफुल है बिकॉज यू नो इट्स इन हिल टॉप, तो यस यू इन्जॉय दिस यू नो दिस फुल ऑफ सीनरी एंड द ग्रीनरी। सो आई शो यू दैट एरिया वेयर यू नो यूजली लोग अपनी वेडिंग्स प्लान और ये पार्टी थ्रो करते हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा एरिया है जहाँ पर लोग अपनी पार्टीज ओपन यू नो एरिया में कराते हैं। सो यू कैन सी दिस इज रिटन ऑन बोर्ड, ये रात में और खूबसूरत लगता है विच इज़ रिटन सनी वर्ल्ड। सो एनी वेज, हम आपको इस जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पर अभी फ़िलहाल हम बुफे दिखाते हैं कि यहाँ का कैसा बुफे है। फिलहाल अभी 12 बज रहे हैं तो पीपल आर स्टार्टेड टू कमिंग ओवर हेयर और सब कुछ अभी पूरा इन्होंने बना दिया है। थोड़े बहुत सारे आइटम इनके बाकी हैं बट आई शो यू दीज आर द बुफेज। तो हमने यहाँ पे अलगटे का ही प्रेफरेंस लिया बिकॉज ऑलरेडी वी हैड आर ब्रेकफास्ट, लेकिन जो लोग सुबह से आते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिकॉज दे ऑल गेट द ब्रंच ओवर हियर। येस, द कॉस्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, लाइक 800 प्लस टैक्स है अगर आपको पूरा ब्रंच का मेन्यू चाहिए तो। सो हियर वॉट वी ऑर्डर एंड येस इट्स वॉज वेरी डिलीशियस एज आई टोल्ड यू डैट। मैंने इनका रिव्यूज़ देखा था तो तभी मुझे लगा कि इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। So the food was very nice and I really enjoyed it over here. Now we are heading towards that adventure area जहाँ पे हम लोग आए थे activities कराने के लिए अपने बच्चे के लिए। So our tummies are full, now we are going, now you can see this is the entrance area, you can go here. और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बड़े एरिया में इन्होंने बनाया है एंड किड्स रियली इन्जॉय बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं। सो इफ़ यू आर इन मुंबई देन फ्रॉम मुंबई टू दिस एरिया इज़ अराउंड 140 kilometers, तो आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा यहाँ तक पहुँचने में बिकॉज इट्स अ आउटर ऑफ पुणे।
तो पुणे का ये बहुत ही प्यारा एडवेंचर एक्टिविटी है। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से बहुत ही कम जगह पे ही आपको ये सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, विच इज़ दिस वन ऑफ दैट द बेस्ट वन। एंड किड्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि एडल्ट्स के लिए, किड्स के लिए भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे जोन्स बनाए हैं। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट टेल यू वन ट्रूथ दैट दिस इज़ नॉट एनी स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय दिस कंपनी एंड ऑल। मेरा ये खुद का रिव्यू है, जो भी मैं रिव्यू डाल रही हूँ ये मेरा खुद का है। सो दिस इज़ माई जेन्युइन रिव्यू। सो इफ़ यू really enjoy my content, so do subscribe my channel and like it and share it. Anyways, my son Abhimanyu is also enjoyed over here. आप देख सकते हो kids के लिए यहाँ पे ऐसे water pool activities भी हैं जिसमें बच्चे खूब enjoy किए थे। और आप देख सकते हो यहाँ पे zip line activity, which is not for the kids, but yes, यहाँ पे सारी activities भी चलती रहती हैं in between. यहाँ पर किड्स के लिए रॉक क्लाइंबिंग की एक्टिविटीज़ भी होती है। यू नो फ्रेंड्स, एक ही ऐसा टावर बना हुआ है जिसमें एक तरफ से एडल्ट्स के लिए है, विच इज़ अराउंड 24 फिट का होता है, और अनदर एरिया इज़ फॉर द किड्स, विच इज़ अराउंड 10 फिट। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी अच्छे सेफ्टी गैजेट्स लगाए जाते हैं जिससे बच्चे कहीं भी कहीं पर भी इनको चोट ना लगे, तो दिस गुड पार्ट। और आप पूरा चेकिंग करने के बाद ही बच्चों को अलाउ किया जाता है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। सो इफ़ यू आर प्लानिंग एंड इफ़ यू आर रियली टेक केयर ऑफ योर किड्स, देन आप यहाँ पर निश्चिंत होकर अपने बच्चे को एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। How was the experience? So much fun. Yeah. But finally we did it. High five. The first time. Good. So now I'll show you this and another activities for the adults. ये देखने में थोड़ा आपको सिंपल लग रहा होगा, बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यू नो लेवल्स बने होते हैं जिस पे लोग अपना बहुत बैलेंस होके यहाँ पे चलना होता है, कभी टायर्स पे तो कभी ब्लॉक्स पर। बट येस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। एनी वेज, ये आप अपने किड्स को यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं करा सकते हैं। बिलो 10 ईयर्स किड्स आर नॉट अलाउड ओवर हियर। यू कैन सी दिस जिप लाइन साइकिलिंग एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो यहाँ पे दो तरीके की जिप लाइन एक्टिविटी होती है। और इसके बाद एक और एक्टिविटी थी जिसे होता है रोप वे एक्टिविटी, जिसमें बच्चे खुद रोप से चढ़ते हैं और ट्राई टू यू नो मैनेज द बैलेंस। तो यहाँ पे बच्चों को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, डैट हाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, हाउ यू टू डू बैलेंस ऑन द रोप एक्टिविटी लाइक दिस, एंड यू नो दे हैव पुट ऑल द बेल्ट्स एंड ऑल। पर हाँ, हेल्पर्स आपको हमेशा बच्चों को साथ रहेंगे टू टेक केयर ऑफ देम। तो ऐसे करके अभिमन्यु ने भी खूब इंजॉय किया और अच्छा उसको लगा यहाँ पर। तो यहाँ पे पूरा दिन बच्चे अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, वेरी नाइस, एंड आई रियली लाइक दिस एडवेंचर। और मुझे लगता है मैं नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पे आऊँगी, कभी अगर यहाँ पे फिर यहाँ मौका मिला तो। एनीवेज, अभिमन्यु को तो यहाँ काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, हमारा पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। You can see this trampoline, which is very you know interesting for kids and adults also, because यहाँ पे adults के लिए भी है। तो फिलहाल अभी kids का time है, यहाँ पे बच्चे खूब enjoy कर रहे हैं, they are enjoying this trampoline, काफ़ी high तक ये लोग jump करते हैं, then they come back. So यहाँ पे अभी बनियों ने बहुत time spend किया था। सो नाउ आई शो यू दिस आर्चरी एक्टिविटीज़। यहाँ पे बो एंड एरो दिया जाता है बच्चों को, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों जो है ना यहाँ पे लर्न करते हैं। यहाँ पे हर एक एक एक्टिविटीज़ दे लर्न सो मेनी थिंग्स, हाउ टू बैलेंस, हाउ टू फोकस ऑन दैट गोल लाइक दैट। तो इनको 3-4 राउंड्स ऐसे देते हैं जहाँ पे बच्चे आराम से अपना इस आर्चरी को इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे एडल्ट्स के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, आपको मैं दिखाती हूँ वन बाई वन। तो ये जो है यहाँ पे, यहाँ की आर्चरीज थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी मतलब ओरिजिनल वाली होती है, तो इसलिए ये एडल्ट्स को दी जाती है, बच्चों के लिए प्लास्टिक की रहती है। और यहाँ पे राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग, सो मेनी एक्टिविटीज़ आर हियर ऑल्सो। सो सी हाउ अभिमन्यु इज़ फोकसिंग ऑन दिस टारगेट। तो 5 to 6 राउंड्स देते हैं बच्चों को, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर बच्चे कितना स्पेंड कर सकते हैं, द होल डे दे कैन इन्जॉय ओवर हेयर। सो
सो दीज आर सम ग्लिम्स ऑफ द एक्टिविटीज विच वी ऑल्सो हैड डन ओवर देयर. हमें यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी एज अ पेरेंट, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे पिस्टल शूटिंग किया, आखिरी का भी हमने इंजॉय किया. सो दीज आर सम स्मॉल ग्लिम्स ऑफ दिस एक्टिविटीज. नाउ आई शो यू दिस रेन डांस ऑडिटोरियम ओपन एरिया काइंड ऑफ, यहाँ पे लोग अपना इंजॉय करते हैं एकदम रेन डांस में. और ये आर्टिफिशियली बनाया गया है बट इट्स वेरी नाइस लोकेटेड. और यहाँ पे छोटा सा ओपन ऑडिटोरियम टाइप का है जहाँ पे सिटिंग एरिया भी है. एंड नाउ आई शो यू द लास्ट वन विच इज़ कॉल्ड इट्स अजॉर्बिंग बॉल. इसमें क्या होता है कि बॉल के अंदर ऐसे आप खड़े हो जाओ और अपने फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ आप यू नो फाइट कर सकते हो, जो गिर गया वो आउट हो जाता है. तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे किड्स इसमें इंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा वो रिस्की होता है. सो इस तरीके से हमारा पूरा दिन हमने यहाँ पे इंजॉय किया. अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और मैंने कोशिश की है कि काफ़ी आपको मैं यहाँ पे जानकारी दे सकूँ. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा. एनीवेज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज. जल्दी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत.